हेलो बच्चों, शिव साठ एंड क्लासेस में स्वागत आपका। मैं मुकेश पांडे, आज आपको इंग्लिश स्टोनोग्राफी पिटमैन बुक हाल्विंग एंड डबलिंग प्रिंसिपल, यानी पहले हाफिंग प्रिंसिपल बताएंगे। हाल्विंग आधा करने का रूल्स, जो हाफ करने पे, पहले हमने बताया था आपको कि कोई स्ट्रोक इतने बड़े बनेंगे, इससे छोटा बड़ा नहीं बनेगा, ये हमने कहा था। नाप के बकायदे बताया था, कॉपी के लाइन का 2/3 माप आपको बनाना है। तो आपके दिमाग में उस समय आया होगा कि ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन आज आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसी माप बताई गई थी। हमने कहा था कोई भी स्ट्रोक बनेगा, ये कहा था कि ये लाइन है आपकी, ये लाइन का हाफ यानी हाफ से अधिक 2/3 माप को हमने यहाँ पे उतार के रख लिया, ये कहा था। फिर कहा था इसको चाहे ऐसे बनाए, चाहे कर्व बनाए, चाहे स्ट्रेट लाइन बनाए, चाहे जैसे कर दें, ये माप ही रहेगी। तो अब उसका रीजन आज हम बताने चल रहे हैं आपको, हाल्विंग प्रिंसिपल यानी आधा करने का रूल। अब पहले हमने कहा था कोई स्ट्रोक कितना बड़ा बनेगा, अगर इसको आधा कर दिया, जितनी बड़ी माप सिखाई थी किसी स्ट्रोक को, कंसोनेंट को आधा कर दिया, उसके आगे हम टा और डा का साउंड जोड़ लिए, सीधा साउंड टा और डा का साउंड, टी और डी का साउंड जोड़ लेंगे। ऐसे तो नहीं समझ, वैसे ये पढ़ा, इसको के टी के डी ऐसे लिख सकते हैं, इसको के टी भी पढ़ सकते हैं, के डी पढ़ सकते हैं, तो ऐसे नहीं। जब हम कोई वर्ड्स बनाते हैं तभी हम पहचान पाएंगे। जैसे हमने इसको मान लिया टी बनाया, सेकंड पे टे एन का होगा, अगर इसको हमने पढ़ा सपोज 10, क्या पढ़ लिया हमने 10, हमने अपने दिमाग में यहाँ पे 10 लिख लिया, हमने इसको पढ़ा 10, ये इतना बड़ा माप है, इस माप को हम आधा कर दें, यानी हुक को नहीं आधा करना, स्ट्रोक जो स्ट्रोक दिख रहा उसी को हाफ कर दें, जितना बड़ा बना इससे आधा बना देंगे, इसके आगे हम टी जोड़ लें चाहे डी, यानी टेंट भी पढ़ सकते हैं, टेंड भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट कर दें, जैसे कर्व वाले हुक हैं उनको डार्क कर देंगे तब आधा करेंगे तो डा हो जाएगा, तो ऐसा हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बुक में दिया है कर्व वाले में जैसे एम है डी अगर हाफ करो तो टी हो जाएगा, लेकिन अगर इसको डार्क कर देंगे तब डी होगा, क्योंकि डी डार्क होता है, ऐसा है। लेकिन हम बहुत आगे पढ़ चुके हैं, अब हम इस बोर्ड पे आ गए हैं, जैसे हमने बताया था आपको हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं, तब हमें लाइट डार्क में नहीं सोचना है, तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन दिमाग में इतना रहे कि आप जो एक्चुअल जो लाइट होते हैं उनको अगर डार्क कर देंगे तब ड्रा होगा, वो भी सिर्फ किसमें, आर्क वाले में। तो ये हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस छोटी सी बात इतना समझना है कि इसी स्ट्रोक को आधा करेंगे तो टी और डी, लाइट डार्क दिमाग से अब हटा दीजिए, नहीं बहुत कंफ्यूजन रहेगी, कहीं पे ऐसा बताएंगे फिर कहीं पे कहेंगे ऐसा नहीं, ऐसा इसको नहीं कर सकते, इसमें तमाम अफवाह आएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इतना छोटी सी बात समझना है, हाफ करने पर टा और डा बस। अब जैसे अगर इसको आर से कर रे, इसको रेन पढ़ा, रेन आधा कर देंगे तो रेंट रेंड हो जाएगा, अब इसको मान लीजिए सेन पढ़ा, सेन सेकंड प्लस से न सेन पढ़ा, आधा कर देंगे सेंट और सेंड, नियम से सेंड लिखना है तो डार्क कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, लाइट डार्क काम खत्म है, अभी इस बोर्ड पे आ गए तो लाइट डार्क का काम खत्म है, सेंट और सेंड। अब मेन है, सपोज ये मेन पढ़ा सेकंड में, मेन को आधा मेंट और मेंड हो गया, यानी हाफ करने पे टी और डी का साउंड यानी टा और डा का साउंड को ये जो लेंगे, बस छोटा सा रूल है, बहुत बड़ा नहीं है। अब इसमें जैसे एक्सरसाइज कराते हैं आपको हम 84, 83 आप स्वयं करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है पहले से कराते आए हैं, जो हमें इंग्लिश से ये बनाएंगे स्टेनो बताएंगे यानी आउटलाइन बताएंगे, आउटलाइन से इंग्लिश आपको मालूम है उसको नहीं, अभी ये जो हम सीखे टाई। अब 84 एक्सरसाइज में पहला पार्ट टाई, पहले हम टाई लिखेंगे सीधा से टा और आई टाई, अब इसी को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइट और टाइड दोनों हो जाएगा, तभी टाइट लिखना था तो आधा कर दिया, ट्राइट पहले ट्राई लिखेंगे ट्रा और आई ट्राई, इसी को आधा कर देंगे तो ट्राइट हो जाएगा, बस ट्राई लिखा जो पढ़ा, पहले ट्राई पढ़ा फिर आधा किया टा हो गया, ट्राइट हो गया, को पहले पढ़ा, पहले के को सेकंड को चाहे पावर को आधा कर दिया तो कोट हो गया, जितना बड़ा स्ट्रोक सीखा उसको आधा कर दिया कोट, कोट्स लिखना है बस इसी को बनाया एस लगा दिया कोट्स, फिर केट लिखना है केट, पहले के लिखा अब बॉबल चाहे लगा दें चाहे यहाँ
के लिखा के, आधा किया केट हो गया, एस लगा दिया केट्स हो गया। स्केट पढ़ा, स्केट एस लगा देंगे, एसके पढ़ा आधा करे एसकेट हो गया। बस अगर कहोगे वावेल पहले एस पूरा बनाना है तो हम पूरा बना एसके एसकेट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम सर्किट बनाएंगे, वावेल का ज्यादा सोचेंगे नहीं। अब नंबर दो, वे पहले पढ़ो वे, वे क्यों सेकंड प्लेस पर वे हो गया, बावेल लगा लेना चाहे आधा कर दिया तो बेट हो गया, बावेल अपना लगाते जाएंगे। अपने बेटी लिखना है, अब बेटी लिखना है तो आपको मालूम है कि जब बावेल आ जाएगा तो हमें पूरा बनाना पड़ेगा, तो बेटी यानी जैसे एस सर्किल थे बावेल आ जाएगा मान लीजिए, लेगेसी लिखना है तो सा पूरा लिखना सिखाया था। फ्राई लिखना है, फ्राई ये एफ में आर फ्रा हो गया, फ्राई आधा कर दिया फ्राइट हो गया, फ्राइट्स लिखना है इसी में एस लगा देंगे ये फ्राइट्स हो जाएगा। तीसरा नंबर ग्रे, पहले ग्रे लिखेंगे जी में आर ग्रे हो गया, वावेल चाहे लगा ग्रे हो गया और आधा कर देंगे तो ग्रेड हो गया, ग्रेड्स इसी में एस लगा देंगे ग्रेड्स हो जाएगा, ग्रेडेड ये ग्रे लिखेंगे ये डी को आधा डेड हो जाएगा, ग्रे डेड यहाँ पर ग्रे डेड यानी डा को आधा करना है। मेट, पहले मे लिखा सेकंड पे मे को आधा किया मेट हो गया, पहले मे लिख लेंगे दिमाग में या लफ में मे हो गया मेट हो गया, वर्ड हमें वही लिखेंगे जो इसमें लिखा जिससे आपको मिलाने में दिक्कत, इसमें छः वर्ड थे छः हो गए, दो नंबर कितने थे तीन तीन छः छः लिख दिए। तीसरा नंबर चल रहा है ग्रेड, ग्रेड्स हो गया ग्रेडेड हो गया मेट हो गया, मेटल लिखना है ये मेट हो गया और ये मेटल हो गया, मेटल हम ऐसे लिख सकते हैं लेकिन अभी हमने जो रूल सीखा हम रूल्स पे ही चलेंगे, अभी हाफ वाला प्रिंसिपल हाफ प्रिंसिपल पढ़ना है तो उसी को चलेंगे। चौथा नंबर, चौथा लेबल, ये ले हो गया ये बल हो गया लेबल, लेबल्ड इसी को आधा कर देंगे लेबल्ड हो जाएगा। ओपन, ये ओपन पढ़ा सेकंड प्लेस बावेल चाहे लगा लें ओपन हाफ हाफ कर दिया तो ओपेंड हो गया, लैंड, लैंड को हाफ किया लैंड हो गया, एस लगा दो थोड़ा प्लेस ध्यान रखना है लैंड है तो फर्स्ट प्लेस पर लैंड हो गया और ये लैंड्स हो गया प्लेस ध्यान रखना है, लेंट है लेन हो गया सेकंड प्लेस पर लेंट हो गया। और नंबर फाइव टाइट, पहले टाई लिखा जैसे वहां ऊपर आया था टाइट वही फिर आ गया टाइट टाइट ये टाइट हो गया टाई को था टाइट टाइट इसी को डार कर देना है लेकिन कुछ नहीं वही टाई टाई एक है टाइडी है। अब डी लिखना है तो पूरा लिखेंगे टाई और ये यही से डी ये टाई और एक डी टाइडी। विट है डब्ल्यू को आधा करके विट हो गया पहले वी लिखा वी को आधा किया विट हो गया। विटी लिखना है तो ये पूरा लिखेंगे वैसे थर्ड प्लेस होना चाहिए विटी हो गया। पार्ट लिखना है या पैट इसको पढ़ा पै लिखा पै को आधा पैट हो गया। पैटी लिखना है तो ये पैटी पूरा लगा देंगे पैटी हो गया। नंबर सिक्स एटी बावेल में लगा देंगे बावेल आपको पता आ चुके हैं बावेल में दिक्कत नहीं बावेल आप लगा लेंगे। हीट है एच को आधा किया हीट हो गया चाहे बावेल लगा ही लिखा पहले ही लिखा हमने दिमाग में ही लिखा आधा कर दिया हीट हो गया। हीट्स एसी में एस लगा देना हीट्स हो गया। हंट हन को आधा किया हंट हो गया। हंट्स लिखना इसी में एस लगा देंगे हंट्स हो गया तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं हंट्स हंट्स। रेड हो गया ये रे को आधा रेड हो गया रेड्स हो गया एस लगा देंगे रेड्स हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 84 कंप्लीट 84 कंप्लीट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे पहले रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे फिर एक एक वर्ड को जैसे सीखा है एक एक लाइन बनाएंगे। अब इसको करने के बाद ये पूरे रूल्स क्लियर हो गए अब हम आएंगे ग्रामलॉक्स में। अब ग्रामलॉक्स आप देखेंगे 85 एक्सरसाइज के ऊपर ग्रामलॉक्स है 85 के ऊपर यानी 84 के इसके 84 का इसके आगे ही तुरंत ग्रामलॉक्स होगा तो ग्रामलॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे एक पेज जैसा कि बराबर बताते आए हैं एक नंबर मतलब एक पेज। ये सभी हाफ हैं के को हाफ करके है फर्स्ट पे क्वाइट सेकंड कुड क्वाइट कुड क्वाइट
गुड, प्रैक्टिस का तरीका बता ही चुके हैं। दूसरा पेज एक के में आर है, हाफ है सभी, हाफ एक्चुअल दिख रहा है, हाफिंग हाफ है सभी, के आर है, एकॉर्ड अकॉर्डिंग केयर्ड, एकॉर्ड अकॉर्डिंग केयर्ड। नंबर तीन ये डार्क हो गया है, डार्क अपने आप ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी देख के ही देख लेंगे, गार्ड ये अपने आप डार्क बना, गार्ड ग्रेट, अभी तो बता दिया है डार्क है, बाकी ऐसे लिखेंगे अपने आप गार्ड ग्रेट। नंबर चार एक के मेल है, हाफ है सभी, कॉल्ड इक्वल कोल्ड, कॉल्ड इक्वल कोल्ड, भाई कॉल पढ़ा है कॉल्ड हो गया, इक्वल इक्वल कोल्ड इक्वल हो जाए, इक्वल पढ़ा इक्वल हो जाएगा, डी लग जाएगा। अब ये जी है तो गोल्ड 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 हाफ है, इसी में आधा पे ये टी एच है, द का साउंड, दैट विदाउट, दैट विदाउट, दैट विदाउट, इस तरह से, यानी पांचवें पेज में दो चार लाइनों बनाएंगे, बाकी में आप दैट विदाउट बनाएंगे, इस तरह से आपके ये कंप्लीट। अब हम पहले ग्रामलास प्रैक्टिस पांच पेज करेंगे, ये पांच पेज प्रैक्टिस किया, पहले रूट्स पढ़ा, फिर फुटकर शब्द बनाए, वर्ड्स बनाए, फिर ग्रामलास प्रैक्टिस किया। अब एक्सरसाइज 86 आएंगे, अब एक्सरसाइज 86 फटाफट समझ में आएगी, एक एक पॉइंट। पहले हम अच्छे से छः पेज पांच पेज ग्राउंड लॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक्सरसाइज बनाने आएंगे, जैसा कि हर वीडियो में हर क्लास में यही हमने बताया है। अब एक टॉपिक का एक दिन में ही खत्म करते चलेंगे, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ और बताना है इस रूल्स के बाद, उसके बाद आपको फटाफट ऐसे लिखते जाएंगे, आपको समझ में 100% आते रहे बात, लेकिन पीछे का रिविजन आप अच्छे से करते रहिए। It has been, ये it has been maintained, ये maintained को आधा tend, that certainty, sir को आधा किया ta, ये na और t, certainty, ये t जाए बावे लगा नहीं, ये does, ये n को आधा not, does not, admit, ये add, m को आधा admit, admit, of, डिग्रीज, ये डी, ये ग्री, एस को डिग्रीज, ऑफ एनी पढ़ा, काइंड को आधा काइंड, दैट देयर कैन बी, ये दैट अभी पढ़ा आपने, देयर पढ़ा, कैन पढ़ा, बी पढ़ा, कैन बी, नो, ये सेड, सेड, ऑफ डिफरेंस इन द, इन द इंटेंसिटी। अब देख रहे हैं इंटेंसिटी, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन ये टे इंटेंस और टी ऐसे भी कर सकते, लेकिन हो सकता किताब में ऐसे हो, इन को आधा किया टा, इंटा, इंटे और ये ना, ये साउट इंटेंसिटी, ये भी हो सकता हो इंटेंसिटी, क्योंकि ऐसा इसलिए सिखा रहे हैं कि हमने हाफ का रूट सीखा, इसलिए हाफ का ही कोशिश करेंगे हाफ बनाने। ऑफ योर, ये ऑफ योर सर्टेनिटी, सर को अदा किया टा, ने और टी, टी पूरा लिखा क्योंकि हमें वावे लगाना है। बट आपने पढ़ा है बट, लेट, लेट पूरा लिख देंगे, एल को अदा लेट, और ये अस आ लगा दें चाहे अस, सी, ये सी वावे भी लगा सकते हैं, लगाने जो हैं सी, अमैन, आ मैन, ये मे बी, मे बी सर्टेन, सर को अदा किया टा, ना सर्टेन, दैट ही, ये दैट इसी में ही लगा दिया, दैट ही, सेटल्ड, ये सेटा, एल को अदा सेटल्ड, हो सकता है किताब में ऐसे हो, सेटल, इसी को अदा सेटल्ड, सेटल हमने एल को डाउन, सेटल्ड, हिज, ये डी को डे, बी को अदा डेप्ट, विद हिज, ये विद पढ़ा, ये हिज, टेलर, ये टे पढ़ा, एल आर, एल आर, एल आर, डब्ल्यू एल को डाउनवर्ड वाले एल को डार कर दो, एल आर, टेलर, ऑन द, ऑन द टेंथ, ये टे ना था, ऑफ अक्टूबर, ये अक्ट हो गया, और बर के को आधा के कट, आ पहले लगा अक्टूबर, एंड इन, एंड इन, कैश, ये कैश, आर दैट ही, आर इसी में दैट जोड़ दो चाहे तो, दैट ही पेड, पी को आधा पेड, पेड, हिज लोकल रेट्स, ये रेट आसा रेट्स, ऑन डिमांड, ये डे मन को आधा मन, डिमांड, डिमांड,
बट इज दिस सर्टेनिटी सर पदा के टा ए ना टी सर्टेनिटी इक्वल्ड अभी पढ़ा आपने इक्वल्ड सेकंड प्लेस पर है बाय द सर्टेनिटी सर्टेनिटी विद विच ये विद विच ही नोज एच को द ही नोज ही वाला ही का ये भी लगा सकते ही नोज दैट दैट पढ़ा आपने आपने दैट थोड़ा माप छोटी हाफ है ध्यान रखना है दैट थ्री ये थ्री टी एच मारेंगे ही ये थ्री बनाएंगे चैच बॉबे लगा लेंगे अभी थ्री एंड ये फोर मेक सेवन ये मेक ये सेवन प्लेस थर्ड हो गया सेवन सेकंड प्लेस पर सेवन सेवन आर दैट हीट एच को था हीट बिल ये बिल आपको बताया थर्ड प्लेस पर बिल मेल्ट एम को सेकंड में एल को था मेल्ट बटर ये बा और ये टर बटर इज देयर नॉट इसी जो एन को था नॉट आ ग्रेट डिफरेंस अभी आपने पढ़ा और एक्सरसाइज लिखने का तरीका हम बताते आ रहे हैं बराबर एक सेंटेंस पूरा किया जैसे जहां पे फुल स्टॉप तुरंत अभी कॉपी को लिखते समय कॉपी को दो भागों में एक सेंटेंस पूरा किया फिर से अगला सेंटेंस राइट तुरंत उसी को लाइट यानी कॉपी को दो भागों में करना है जैसा आप बराबर कराते आए हैं पहले एक्सरसाइज से जब कराया था तभी आपको हमने सिखाया है आपको एक एक सेंटेंस को एक बार इधर लिखा एक बार इधर यानी दो बार कम से कम लिखना ही लिखना है और नियम यह है कि जब समझ में आया तब दो बार समझ में आ गया तब तो दो बार लिखना है नहीं समझ में आया तो तब तक लिखना है बार बार लिख के पहचानना है ऐसे नहीं रटना है लिख के पहचानना जब तक समझ में ना आ जाए तो ठीक है बच्चों इतना करिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ धन्यवाद नमस्कार।